ये है कुछ इसकी फिटिंग और काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। स्पेशली जो इसके अंदर जो जो फोम का जो ये अंदर काम किया गया है, ये काफ़ी अच्छा है। इसकी कुशनिंग अच्छी है और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। और अभी थोड़ा सा नया है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लग रहा है जैसे कि पैक हो गया है। तो धीरे धीरे इसका आपका वाइजर डाउन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसका वाइजर डाउन कर दिया है, तो मैं बाहर की ओर तो देख पा रहा हूँ, लेकिन बाहर वाले को मेरा अंदर का फेस जो है वो नहीं दिख रहा होगा। सुहाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जब भी मैं अपना जो राइडिंग के समय जो ब्लॉगिंग करता हूँ, उसमें एक मेन इशू आता है मुझे राइडिंग के समय, वो अपने चेस्ट होल्डर को फिट करके ब्लॉग करना, मोटो ब्लॉग, या फिर हेलमेट होल्डर यूज़ करके हेलमेट में माउंट करके ब्लॉक बनाना, स्पेशली राइडिंग के समय ये एक थोड़ा सा बड़ा इशू होता है। तो ऐसे में मेरे पास अभी जो ऑप्शन है वो है चेस्ट होल्डर का। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक इशू क्या होता है चेस्ट होल्डर में, कि बार बार वो पूरा सेटअप जो है वो लगाना पड़ता है। स्पेशली कभी कभी मुझे क्या करना पड़ता है कि शर्ट के अंदर लगाना पड़ता है, और फिर उसके बाद बाहर जो उसका जो माउंट होता है वो सिर्फ बाहर दिखाना पड़ता है। और दूसरा चीज़ ये है कि उसको कैरी करना पड़ जाता है, और मेरे पास बाइक में उतना स्पेस है नहीं, ये स्कूटी तो है नहीं कि मैं इसमें रख लूँ, तो मैं बाइक चलाऊँ या उसको कैरी करूँ, तो ये इशू होता है। या तो मैं उसे घर से ही पहन के आऊँ, या तो मैं उसे हाथ में कैरी करके लेकर आऊँ, तो ये एक चेस्ट होल्डर का थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन अगर हेलमेट होल्डर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो जैसे पहले मैं हेलमेट होल्डर से मोटो ब्लॉगिंग करता था, जब से हेलमेट तो हालांकि मेरे पास नहीं थे, मैं फ्रेंड का यूज़ कर रहा था, तो आज उसी प्रॉब्लम को मैं दूर करने के लिए आज एक हेलमेट जो है वो परचेस करने जा रहा हूँ। तो देखता हूँ कि कितने की प्राइस पड़ती है। अभी जो है मेरे पास ये है आपको स्टर्ट की हेलमेट, जो कि इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। लगभग ये 7-8 साल से मैं इसी हेलमेट को यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी एक तरह से कह सकता हूँ बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी ये जो हेलमेट है स्टर्ट्स की, ये काफ़ी मजबूत है और स्ट्रांग है। आप देख सकते हो कि इसका ग्लास जो है वो कितनी बार फटकाया है स्क्रैच होकर के, लेकिन अभी भी कहीं भी टूटा नहीं है। ये इसकी मजबूती है कि स्टर्ट्स की भी हेलमेट जो है वो काफ़ी मजबूत होता है, तो मजबूती के मामले में बढ़िया है। और इसका जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, वो भी बढ़िया है। आप पीछे देख सकते हो कि ये फट चुका है, लेकिन अभी भी मैं इसको अच्छा खासा इसे यूज़ करता हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि जो हेलमेट का जो हेलमेट होल्डर होता है वो मैं इसमें माउंट नहीं कर सकता। आप देख सकते हो कि ये बीच में ये चीज़ जो है इशू होता है, तो इसके लिए मुझे वो स्पोर्ट्स जो हेलमेट होता है स्पोर्ट्स बाइक के लिए, मुझे वो हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में मुझे अब एक और प्रोडक्ट जो है वो परचेस करना पड़ेगा। हालांकि मैंने हेलमेट होल्डर एक बार परचेस किया, फिर चेस्ट होल्डर परचेस किया, अब किसी भी तरीके से मुझे काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मुझे एक हेलमेट परचेस कर लेना चाहिए, तो ये एक इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम अभी जा रहे हैं शॉप से, ऑनलाइन तो नहीं, अभी मैं पहले शॉप जा रहा हूँ ऑफलाइन पता करने के लिए। अगर सही प्राइस रहा तो मैं ऑफलाइन ही खरीदूँगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन देखूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, फाइनली मैंने परचेस कर लिया ये हेलमेट, और ये मैंने खरीदी है स्टार्ट्स की, क्योंकि मैं इससे पहले मैंने स्टार्ट्स को ही यूज़ किया है। इससे पहले लगभग जो मेरा पहले जो हेलमेट था उसको मैंने लगभग 8 साल यूज़ किया है। तो ऐसे मैंने इसे लिया है पटना के जमाल रोड से, कि आप देखोगे अगर कभी भी जाओगे तो वहाँ पर पूरा इसी लाइन का ही पूरा जितने भी हेलमेट हैं, आपको बाइक से रिलेटेड जो भी आप एसेसरीज जो इसमें ऐड कराते हो अपने एक्स्ट्रा, तो वो सारा कुछ आपको उसी में एरिया उसी भी तरफ जमाल रोड की तरफ ही से मिलता है। तो मैं वहीं से इसको परचेस किया हूँ। मैंने इसका पहले ऑनलाइन जो है वो रेट देख लिया था, तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में सिर्फ 50 से 70 रुपये का डिफरेंस था, तो इसीलिए मैंने इसे ऑफलाइन ही ले लिया शॉप से। तो मैंने पटना की उसी जमाल रोड से एक शॉप से लिया है, तो ये मैंने लिया है आपको 1700, और इसके ऑनलाइन प्राइस है करीब 1750 या 1770 रुपीज़। तो काफ़ी खूबसूरत था ये, और ये लगभग 11 कलर में था, तो मुझे ये कलर अच्छी लगी। और इसके अलावा और भी थे ब्लैक रेड में कॉम्बिनेशन में, मतलब इसके अलावा 10 कलर और थे, तो मुझे ये कलर पर्सनली पसंद आया तो मैंने इसे लिया। अब मैं इसको लेने का मकसद मैंने आपको बताया ही कि इसको मैंने मेरा लेने का मेन पर्पज़ था मोटो ब्लॉगिंग के लिए, कि
इससे पहले जो मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा था, मैंने आपको दिखाया ही कि चेस्ट होल्डर्स मैंने परचेस किया था उसके लिए। तो एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दूसरा चीज लेता हूँ तो फिर भी वो इशू बना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अब मैं चेस्ट होल्डर को हटा दूंगा, मैं उसे भी यूज़ करूंगा और इसे भी यूज़ करूंगा। जहाँ यूज़ होगा चेस्ट होल्डर का वहाँ चेस्ट होल्डर यूज़ करूंगा, और जहाँ यूज़ होगा हेलमेट होल्डर का हेलमेट के साथ तो वो यूज़ करूंगा। तो मेरे पास अभी ये है चेस्ट होल्डर जिसको मैं यूज़ करता हूँ मोटो ब्लॉगिंग के दौरान। जब इससे क्या होता है कि एक कंप्लीट व्यू अच्छा आता है। सो मेरा लेन पर्पस लेने का इसीलिए था कि जो फुल व्यू जो आता है आपको बाइक के कंसोल के साथ साथ सामने का व्यू एक वी शेप में, तो इससे पूरा सही से आता। और पहले मेरे पास जो था हेलमेट वो मेरा नहीं था, वो मैं किसी फ्रेंड को यूज़ कर रहा था। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था हेलमेट लेने के लिए, और जो मेरा हेलमेट है वो काफ़ी पुराना भी हो गया था और कुछ डैमेज वगैरह हो गया था, लेकिन फिर भी 8 साल के बाद भी वो हेलमेट अभी भी स्ट्रॉन्ग है और उसका अभी भी जो वाइज़र है आज तक वो नहीं टूटा है। तो काफ़ी अच्छा चला स्टड्स का, तो इसीलिए मेरा भरोसा स्टड्स की तरफ था। स्टील बड भी अच्छा है और एक वेगा भी था, तो मैंने वेगा नहीं लिया। मैंने देखा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं उसी का ले लेता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया। बाकी इसमें जो है ये वाइज़र जो है इसमें इनबिल्ट था लगा हुआ, लेकिन मैंने अलग इसी को लगवा लिया और ये साथ में ही मिला है, तो एक वाइज़र एक्स्ट्रा है। इसमें फ़ायदा क्या है कि जो फेस जो है वो जो बाहर कोई भी अगर देखेगा तो उसको अंदर फेस जो है वो नहीं दिखेगा मेरा। और उस वाइज़र में क्या है कि वो पूरा ग्लास की तरह जैसे अंदर बाहर दोनों, मतलब बाहर से अंदर भी देख सकते हैं, अंदर से बाहर भी देख सकते हैं। तो ये क्या है कि अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर को अगर किसी को देखना हो तो वो फेस नहीं दिखेगा। और दूसरा चीज़ है कि ये हल्का आपको सिल्वर कलर टाइप का है, तो धूप में थोड़ा सा जो क्या है कि जो चमक जो होती है धूप का, उससे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में ये बेनिफिट करेगा। और बाकी लेन मेन लेने का पर्पस यही था कि मैं इससे मोटो ब्लॉगिंग कर सकूं, तो उसके लिए ये चीज़ मैं इसको इंस्टॉल करूंगा यहाँ, और फिर इसी से जो है मैं अपना जो मोटो ब्लॉगिंग है वो करूँगा। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मुझे एक ज़रूरत पड़ेगी, तो वो है कैमरा की। अब देखना ये होगा कि मैं कैमरा लेता हूँ तो कब लेता हूँ। अभी तो जो है मैं जब से मैंने अपना चैनल बनाया तब से सिर्फ अपना मैं अपना स्मार्टफोन से ही अपना जो है रिकॉर्डिंग करता हूँ अपने चैनल के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो कैमरा का अभी कोई ये नहीं है, लेकिन देखते हैं इन फ्यूचर कब तक अगर मैं लेता हूँ। हालांकि वो भी मेरे लिए मस्त है, ज़रूरी है कि मोबाइल से मैं कब तक करूँगा, तो देखना ये है कि अब आगे मैं कब वो लेता हूँ। और फ़िलहाल तो अभी मैं अभी मोबाइल से ही करूँगा, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल इसमें मैं फिट कर देता हूँ। सो दोस्तों इसमें तो सारा इसमें जो है अटैच है, बस इसमें हमको इसको माउंट कर देना है क्योंकि मैंने पहले से ही इसको फिक्स कर लिया था। तो फटाफट इसको इंस्टॉल करते हैं इसमें, और उसके बाद फिर आपको ये दिखाते हैं सेटअप कैसे होता है। तो इसको मैंने अब कर लिया है फिक्स, तो काफ़ी इजी टू यूज़ है और अच्छे तरीके से आप भी फिट कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू होता है इसको इंस्टॉल करने में हेलमेट में, तो मैंने इसका भी वीडियो अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हो, वहाँ पर मैंने कम्प्लीट एक एक पार्ट अलग अलग करके ही पूरी तरीके से इसको मैंने इंस्टॉल किया है। ये तो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, इसीलिए ये मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और सिर्फ इसमें मुझे नीचे जो है इसका क्लिप, बस इसी पे इसको
लॉक करना था, सो मैंने अभी इसको लॉक कर दिया। तो ये था अपने इस मोटो ब्लॉगिंग के लिए एक सेटअप। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, और जो प्राइस था जो भी स्पेशल, इसका लुक भी अच्छा लगा और स्टड्स का भरोसा भी था, तो इसीलिए मैंने इसे और पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगा करके स्टड्स लेना सही समझा, क्योंकि 1200-1300 में और भी हेलमेट मिल जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं स्टड्स ही ले लेता, तो इसीलिए थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा करके मैंने स्टड्स ले लिया। तो 1700 में इसीलिए मैंने इसे परचेस कर लिया। सो दोस्तों, ये है कुछ इसकी फिटिंग, और काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, स्पेशली जो इसके अंदर जो फॉर्म का जो ये अंदर काम किया गया, ये काफ़ी अच्छा है, इसकी कुशनिंग अच्छी है और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। और अभी थोड़ा सा नया है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लग रहा है जैसे कि पैक हो गया है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पहनने के बाद, यूज़ करने के बाद थोड़ा और कम्फर्टेबल हो जाएगा। तो अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, और अंदर का जो इसको बोलते हैं कॉटन वगैरह और ये सब चीज़ काफ़ी अच्छी है। और ये है कुछ, अब मैं इसका आपका वाइजर डाउन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसका वाइजर डाउन कर दिया है, तो मैं बाहर की ओर तो देख पा रहा हूँ, लेकिन बाहर वाले को मेरे अंदर का फेस जो है वो नहीं दिख रहा होगा। सो, ये कुछ धूप में अगर राइडिंग करते हैं तो जो सनलाइट होता है वो उससे भी थोड़ा सा एक बेनिफिट होता है। तो ये था इसका एक सेटअप और लेने का पर्पस। कैसी लगी कमेंट बताना, अगर वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, खुदा हाफिज़।